पे किसी बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर इतना जोश आ जाता है, तो आज हम कुछ लर्न करने आए तो हमारे अंदर क्यों नहीं जोश है? अस्सलाम वालेकुम। ये पता चला के उर्दू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एनर्जेटिक है। तो मेरा नाम अब्दुल फत्ता है, मैं छोटेले गांव से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अभी रेहान अल्लाह वाला का असिस्टेंट हूँ। रेहान अल्लाह वाला को कौन कौन जानते है? कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता है मेरे ख्याल से, तो फेसबुक फिर कोई भी नहीं चलाता होगा। चलाते तो कितने कितने फ्रेंड है फेसबुक पर चलाता है? यहाँ पे कोई भी नहीं चलाता है। कौन कौन चलाते हैं हाथ ऊपर करे पता चले? तो हम लोगों को पता है फेसबुक है क्या? चेहरे का किताब, सही। और किसी को? सोशल वेबसाइट। इससे फायदे क्या है हमें ये बताओ कि सोशल मीडिया से हमें फायदे क्या है? मैं एक भाई को पहले भी एक डेढ़ घंटे तो सुन रहा हूँ, उसके आगे बैठा हुआ था, तो वो बहुत बात करता है। बात हम तब करते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत नॉलेज होती है। हम नॉलेज बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तो हम बात करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा भाई है, इसके अंदर बहुत नॉलेज है। मैं इसको एक एडवाइस दूंगा कि आप अपनी नॉलेज कैसे शेयर कर सकते हो। कैमरा निकालो, वीडियो बनाओ, शेयर कर दो फेसबुक पे। आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी, आप जितना बोलोगे, आप बाहर निकालोगे और वो वीडियो आप देखो कि मैंने किस जगह में मिस्टेक की है, वो आपकी नॉलेज है ना बाहर आएगी। और जो आपके अंदर जो गुस्सा बना हुआ है, जो बोलने का दम बना हुआ है, वो आपका निकल जाएगा। तो ब्रदर आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है? तो सोशल मीडिया से हमें फायदे क्या है? एक किसी के नॉलेज में नहीं, आप ज्यादा बोलते ना आपको नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब बोला कि फेसबुक कौन कौन यूज करते हैं, तो सात आठ बंदों ने हाथ ऊपर किए, दूसरों ने थोड़ा डर के मारे हाथ ऊपर नहीं किया कि मैं नहीं चलाता। सोशल मीडिया के फायदे क्या है, मैं आपको थोड़े से फायदे बता रहा हूँ। सोशल मीडिया जो टॉप पे में आती है, जो मैं यूज करता हूँ, फेसबुक करता हूँ, लिंक्डइन करता हूँ, गूगल प्लस करता हूँ, ट्विटर करता हूँ। इससे फायदे क्या है? फेसबुक पे आप जब 5,000 फ्रेंड बना लेते हैं, और जहां के नहीं, आप उर्दू यूनिवर्सिटी में हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाते हो, आप एक दूसरे को एडवाइस कर लेते हो। यहाँ के नहीं बना, आउट ऑफ कंट्री के बना, आउट ऑफ कंट्री के बनाएंगे। आप जब 500 फ्रेंड भी बनाते हो, आपको 500 फ्रेंड में सिर्फ 5 फ्रेंड ऐसे अच्छे मिल जाए जिनसे आप डेली जो है ना बात करते हो, उनसे के डेली भी जो आपकी फील्ड है, पहले तो मैं ये बोल के जिसकी जो फील्ड है उस हिसाब से वो फ्रेंड अपने निकाले। कोई इंग्लिश, कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे लोग इंग्लिश वाले, कौन है हाथ ऊपर करे? और कौन से डिपार्टमेंट के? कॉमर्स। अब देखिए, आप इंग्लिश वाले अपने फ्रेंड बनाते हैं जिन लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ाई और इंग्लिश से वो रिलेटेड है। आप जब उनसे बात करेंगे, 5 फ्रेंड आपको डेली जो है ना 10 मिनट दे दे, कितना टाइम मिल गया आपको? 50 मिनट। आप डेली करते हैं फेसबुक में, सबको पता है, सब करते हैं, लेकिन हमने महदूद रखा हुआ है 200-300, उससे ज्यादा हम अपी नहीं हो रहे। तो आप उनसे बात करेंगे डेली, उनसे एक एक वर्ड भी सीखे ना, न्यू एक एक जुमला भी सीखे, तो आप डेली कितना सीख लेंगे? 5 जुमले। और जो इसकी कैलकुलेशन कर लो मंथ में, तो कितनी हो जाएगी? 150। ये ईयर में कन्वर्ट कर दो तो कितनी हो जाएगी? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। जैसे मैडम तुलसी ने बोला कि आप सीवी बनाओ, सीवी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूं, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है लिंक्डइन, वहां पे आप पूरा अपनी बायोडेटा रख रहे हो, और आगे चल के आपको यही काम आएगी, पेपर आपका खत्म हो जाएगा। पेपर आपका खत्म हो जाएगा। कैसे पेपर खत्म होगा? आप कहीं पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, गए, पहुंच गए वहां पे, उससे बात की, और जब आपसे पूछ रहा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जब यूएई में था, तो यूएई में मैं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहां पे मैंने उसके सामने सीवी रखी, उसने सीवी लेके उल्टी करके रख दी, उसने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा, टेल मी अबाउट योर साइट। मुझे पता ही नहीं है इसकी मीनिंग क्या है, मैं खामोश हो गया, वापस आया, सीख के आया कि ये क्वेश्चन है क्या। अपने कजन ने पूछा इसकी मीनिंग क्या, मैंने बोला वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बार मैंने क्या किया, सीवी को रट्टा लगा के दिल में लगा दिया,
ये है मेरा। दूसरी जगह फिर दूसरा मुझे कजन ने बोला, बोला लिंक्डइन अकाउंट को उसमें बनाए, पूरी सीवी मैंने वहां पे बना के रखी। तो जब दूसरी बार गया तो उसने बोला भाई बताओ आपकी सीवी का, मैंने कहा आई हैव नो सीवी, कैन यू विजिट माय लिंक्डइन आईडी, माय नेम इज अब्दुल फतह सुन। तो उसके पास लैपटॉप था उसी टाइम खोला और पूरी बायोडाटा वहां पे पड़ी। उसने मुझसे ये एक सवाल पूछा, इंडियन था, बोले तुम्हें ये किसने आईडी दिया? मैंने कहा मेरा कजन है, sugar.com में ना वेब डेवलपर है। खड़े हो गया, हाथ मिलाए, बोला बेटा सैलरी कितने लोग, सैलरी कितने लोग आपके अंदर लेके आनी है। लिंक्डइन से ये फायदा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां पे प्रोफाइल बने हुए हैं, बहुत बहुत जो है हर किसी के। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लगा हुए आपको जो है ना, कोई मैनेजर, कोई बड़ी बड़ी होते, कोई MD वहां पे आपके दोस्त बन जाएंगे, आपको प्रोफाइल तो देखेंगे और आपको वहां से जॉब मिल जाएगी। मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ रहता हूँ, उसके जो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं हम उनके इंटरव्यू करते हैं। तो मैं एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो अभी बैठा हुआ है कहाँ पे, दुबई में, दुबई अबूधाबी में। तो जब मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा आपने ये जॉब कैसे ली? बोला रेहान अल्लाह वाला के थ्रू, लिंक्डइन से। उसके थ्रू मैं बोला था चार कंट्री घूम के आया लिंक्डइन पे, यानी आप जो है ना अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। आपको इनकेस रात को कॉल आ जाती है 11 बजे, कल सुबह आपका इंटरव्यू और आपको 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे कराची में तो कोई मार्केट ही नहीं खुली होती, सीवी फ्रंट कहां से करवाऊं? फायदा सबसे बड़ा ये कि आपके पास फ्रंट कहां से करवाऊं, परेशान। उसी टाइम आपने बोला चेक किया, अपडेट की प्रोफाइल को, वहां पे लिंक्डइन में चले गए, वहां पे आप बोले मैम आप मैम हो या कोई भी सर हो, आप उससे बोल सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे मेरी सीवी पड़ी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट की भी जरूरत नहीं पड़ी। और आगे चाह के मेरा छोटा भाई यहीं में रहता है, उसने मुझे बोला कि पता मेरी वेबसाइट बना, मैंने तो किसी से बोला यहाँ पे सीवी का सिस्टम खत्म हो रहा है और वेबसाइट्स आ रही है, यहाँ पे सिस्टम खत्म हो रहा है और वेबसाइट आ रही है। तो इस चीजों के लिए हमें प्लान नहीं करते, हमें पता नहीं है 5 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम किस तरफ जाएंगे, ये हमें पता ही नहीं है। हमें पता है किसी को 5 साल के बाद क्या मोबाइल आएगा? मैं जब 7 साल पहले जाऊं तो मेरे पास ये मोबाइल था, आज भी है, लेकिन इससे मैं कोई फायदा उठा सकता हूँ? सिर्फ पाल पे आज कितनी मोबाइल अच्छी आ गई, पूरी दुनिया आपकी जो है ना उस डिवाइस के अंदर है, उसी मोबाइल के अंदर है। तो ऐसे सोचो कि 5 साल या 2 साल के बाद हमारी टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, आपकी एजुकेशन भी उस तरफ जा रही है और आपकी जॉब भी वहां पे आ रही है। तो हमें इससे फायदा यह हुआ लिंक्डइन आईडी से आपको पूरा बायोडाटा वहां पे, फेसबुक से आप फ्रेंड बनाएंगे आपको नॉलेज मिलेगी, अलग अलग दोस्तों से अलग अलग तरीके मिलेंगे। और ट्विटर से क्या होता है, ट्विटर से भी आप वहां पे अपनी डेटा ले सकते हो, वहां पे भी अपने दोस्त बना सकते हो। और गूगल प्लस सबको कनेक्ट करता है, उस पे आप जितनी आपकी डेटा है आप वहां पे अपलोड कर सकते हो, 30-15 GB तक आप वहां पे डेटा अपनी सेव कर सकते हो। आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो किसी टाइम भी क्रैश हो जाए आपकी डेटा वहां से सेव होती है, तो वहां से आप इजीली वो भी उठा सकते हो। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा वो है, एक वो बड़ा फायदा है जहां पे हम पैसे कमा सकते हैं। किसी को है नॉलेज, पैसे भी कमा सकते हैं हम, किससे पैसे कमा सकते हैं? फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक फेसबुक से हम कैसे मेरी कंपनी है, मैं मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ और आपको देखा आपकी आईडी है और आपकी आईडी पे फ्रेंड ही 300 है, कैसे आपको मैं मार्केटिंग करवाऊंगा? तो इसलिए मुझे सबसे पहले जब मुझे फेसबुक से पैसे कमाने तो क्या करने है, अपने फ्रेंड बढ़ानी है और आउट ऑफ कंट्री के करने के। मुझे कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट देती है मार्केटिंग के लिए, तो मैं इसकी मार्केटिंग करूं तो मैं वहां पे फखर से बोल सकूं कि मेरी पोस्ट 5000 फ्रेंड तक जाएगी, यानी 5000 घर तक जाएगी और आउट ऑफ कंट्री में जाएगी। सिर्फ ये मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इसमें मैं और एक चीज ऐड कर लूं तो हम पाकिस्तान को आप आउट ऑफ कंट्री, कोई गया है आप में से कोई गए? आप गए? कोई दूसरा आप गए?
कौन सी कंट्री में गए? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। अच्छा, तो वहां पे जब आप गए तो आपसे एक सवाल किया गया होगा, आप कहां से आए? कहां से? तो आपने क्या जवाब दिया था? पाकिस्तान। तो फीडबैक आपको क्या मिला? मैं बता दूं, टेररिस्ट कंट्री से। फीडबैक हमें यह मिलता है आप दूसरी कंट्री में जाओ, आज पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री से। हमारी कंट्री का इतना इमेज गिरा हुआ है, जो आप लोग चाहो तो वहां पे पीस का मैसेज दे सकते हैं। जो आपके 5,000 फैन एक हो और जो आपके फॉलोअर 40,000 बन गए तो आपके पीछे कंपनी बढ़ जाएगी, हमारी मार्केटिंग कर दो और घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। आपने किसी ने सुना?